वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों यहाँ पर जो आप ये चित्तीदार इतना खूबसूरत जो प्लांट देख रहे हैं, ये है कैलेडियम। और कैलेडियम की दोस्तों बहुत वैरायटी आती हैं, उसके उसमें से एक ही वैरायटी है जो कि बहुत ही प्रिटी लगती है दोस्तों। तो इसकी जो खूबसूरती है इसकी लीफ में ही होती है। इसकी लीफ जो है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कलर से पेंटिंग कर दी हो। दोस्तों इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में दोस्तों इसका प्रोपेगेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके प्रोपेगेशन के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तो ये तरीका है कि इसको बल्ब से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि इस समय चूँकि जुलाई के महीने में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसमें दोस्तों नए नए पीके निकल रहे हैं, तो ये इधर जैसे ये दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें से दोस्तों आप गहराई में खुरपी डाल के और नया प्लांट निकाल लीजिए और उसको दूसरे गमले में स्थापित कर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जुलाई के महीने में दोस्तों इसका प्रोपेगेशन बहुत आसान होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये न्यू लीफ निकल रही है और ये न्यू ये वाला, तो आप यहाँ से उसको गहराई में एक खुरपी डाल के दोस्तों और यहाँ से इसको साबुत निकाल के, उसको कोई हानि नहीं पहुँचना चाहिए उसकी जड़ को, और निकाल के आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए दोस्तों। तो बहुत आसानी से इसका प्रोपेगेशन आप कर सकते हैं। एक प्लांट से कई प्लांट दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, मैंने दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरे गमले में इसको लगाया हुआ है और देखिए इसमें चार लीफ भी आपको दिख रही हैं। ये ग्रो बैग में भी दोस्तों मैंने इसी प्रकार से न्यू प्लांट तैयार किया था। तो कैलेडियम को दोस्तों बहुत आसानी से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये प्लांट बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों। इसकी एक वैरायटी ये है, तो आप इसका प्रोपेगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके गार्डन में दोस्तों इसकी भरमार हो जाएगी। आप इनके गमलों को एक साथ इकट्ठा रखिए, फिर आप देखेंगे इनकी खूबसूरती कितनी अच्छी लगती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक नया वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी डे।